उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज से 2 दिवसीय आयुष मेला का शुभारंभ हुआ है। आज शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पूरे केंद्रीय आयुष मंत्री सोनोवाल 50 बेडेड 6 आयुष अस्पताल की नींव रखेंगे। वहीं 250 नए आयुष स्वास्थ्य केंद्र, 50 बेडेड 8 नए इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल और 500 वेलनेस सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इस समय हम उपस्थित है अयोध्या में और देवनगरी अयोध्या में इस समय आयुष मेला चल रहा है और आज से दो दिनों का जो है ये आयुष मेला लगा है अयोध्या में। कुछ ही समय बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा, उद्बोधन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल इसका शुभ उद्घाटन करेंगे। और कैमरा पर्सन दीपक दिखा रहे हैं ये आयुष मेला का उद्घाटन कार्यक्रम का जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। और इस जो ये जो आयुष मेला है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई जगहों से बहुत सारे स्टॉल्स भी आए हुए हैं जिनमें योग साधना हो, आयुर्वेद हो, यूनानी मेडिसिन हो, सबको यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। और जो है एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, ये ट्रेडिशनल डांस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ट्रेडिशनल डांस गाना ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक रंगीन जो माहौल है यहाँ पे तैयार किया गया है। और मैं नॉर्थ ईस्ट लाइव को दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में जो है 60 बेडेड आयुष हॉस्पिटल जो है उसका लोकार्पण किया जाएगा, उसका जो है नींव रखा जाएगा। और उसके अलावा जो है 250 नए जो है आयुष डिस्पेंसरी यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो है आज जो है 50 बेडेड आयुष जो है हॉस्पिटल यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा, 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो कहा जा सकता है ये जो आयुष मेला है उत्तर प्रदेश के लिए एक माइलस्टोन बन के उभर के आएगा ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। क्योंकि ये जो मेला है इस मेले के दौरान आयुष मिनिस्ट्री के काफ़ी सारे जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स और वेलनेस सेंटर्स के जो है नींव रखी जाएंगे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्यक्रम को जो है आने वाले यूपी चुनाव से पहले बहुत ही महत्व दिया गया है। क्योंकि जो है भारत की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और क्योंकि ये आयुष मिनिस्ट्री जो है नया गठन किया गया था और उसका जो है एकमात्र उद्देश्य था कि ये जो आयुष मेला है ये जो आयुष है इसके जरिए भारत की जो पुरानी जो है चिकित्सा कला है उसको जो है लोगों के सामने लाना, लोगों को बताना कि कैसे भारत में प्राचीन दिनों से चिकित्सा चल रही थी उसको जो है लोगों को समझाना, ये आयुष मिनिस्ट्री का मेन मोटो था। और उसी के चलते आज जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दो दिनों का ये आयुष मेला यहाँ पे लगाया गया है। और इसके दौरान जो है काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की नींव जो है यहाँ पे रखा जाएगा। और जिस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपस्थित रहेंगे जो है सेंट्रल आयुष मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल वो उपस्थित रहेंगे और दोनों ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे।